देखते रहिए UBN 08 तराना से। अर्पित बुराना की रिपोर्ट, नर्स और डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के चलते प्रसूता ने अस्पताल के बरामदे में बच्चे को किया जन्म, जा सकती थी दोनों की जान। उज्जैन जिले के तराना शासकीय अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की बड़ी लापरवाही के चलते प्रसूता फरजाना ने अस्पताल के खुले बरामदे में बच्चे को जन्म दिया। नर्स की इस लापरवाही के चलते जा सकती थी जच्चा बच्चा दोनों की जान। नर्स की लापरवाही एक बार फिर देखिएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष महेश परमार द्वारा SDM अवधेश शर्मा से इस संबंध में तीखी बहस हुई। मामला में लड़की जो पेट में दुख रहा था तो सालू जी को बताने वास्ते गए। सालू जी ने एक सीट दी थी क्या, वो सिस्टर को बता लो, वो चेक कर लेगी। सिस्टर के पास आए तो उन्हें क्या कि बहुत देर तक हम यहाँ बाहर बैठे हैं। सिस्टर बाहर आ गए, बोलने को तैयार नहीं, मतलब बात करने को तैयार नहीं। ले आके हम लोग उधर पलंग पे लेटा दी। फिर उसको ज्यादा तकलीफ होने लगी। मैंने सिस्टर से फिर बोला कि सर उसको मैडम उसको तकलीफ ज्यादा हो रही, आप चल के उसको देख लो। इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लिखा तो वो लगा दो उसको, तो आने को तैयार नहीं थी। यहाँ लेके ना आयो उधर से इंजेक्शन के लिए, यहाँ लेके आ रहा तो रास्ते में डिलीवरी होगी। तो सर इसके लिए आपने ड्यूटी पे जो अधिकारी मौजूद है उनसे बोला, आपने अवगत करा? उनको सालू जी को बोला। तो इसमें किसकी लापरवाही है? ये सिस्टरों की लापरवाही है। वो डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया कि वो सिस्टर है, वो उनको चेक करा। आपसे भी पैसे की डिमांड करी गई थी? हमसे नहीं मांगी। के माध्यम से कहा गया, विधायक जी कल झूठी बड़ी बड़ी बात बोलते हो आप कि मैं तो बड़ा हितेशी हूँ, तो क्या ये गरीब की बच्ची को बेटी बाहर डिलीवरी होगी क्या? ये यहाँ के विधायक की नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ के विधायक और सांसद और भाजपा के नेता यहाँ कभी प्याज के घोटाले में उसमें लूटने में लगे हैं, जनता को खून चूसने में लगे हैं, उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या लगता है आपको, आज जो आपने आंदोलन करा, प्रदर्शन करा है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधरेंगी? निश्चित रूप से सुधरेगी, और नहीं सुधरेगी तो हम सुधार देंगे इन लोगों को। हम आपके माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, 7 दिन में हम यहाँ धरना करेंगे, तराना बंद कराएंगे, हम अनशन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए, अगर हमें हमारी जान भी देना। ये आज हॉस्पिटल में जो धरना प्रदर्शन करा है और प्रसूता की जो डिलीवरी रास्ते में हुई है, तो इसमें क्या लगता है आपको कौन दोषी है? की डिलीवरी जो है रस्ते में हुई है ये बात सत्य है, लेकिन ये है कि इसमें ये देखा जा रहा है कि जांच में कोई स्टाफ तो दोषी नहीं है कि भाई यहाँ आने के बाद ये भी काम नहीं किया गया। तो अगर ऐसा लगता है कि इन लोगों के द्वारा कोई हिला हवाली की गई है तो उस पर जो सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक्शन। सर पीड़िता के परिजनों का ये सीधा सीधा आरोप है कि उनको 2-3 बार बुलाने के बावजूद नर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थी और आई नहीं, जिसके कारण ये प्रसूति रस्ते में हुई है। ये जांच में तथ्य आएगा, अभी जांच कर रहे हैं इसकी, जैसी तथ्य आएगा तो आपको। सर अगर आरोप सिद्ध हुआ तो फिर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे, आरोप सिद्ध होगा। धन्यवाद सर।